बॉलीवुड अक्षय कुमार और कृति सनन की फिल्म बच्चन पांडे होली पर रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की सुनामी के बीच इस मूवी का रिलीज होना रिस्क बताया जा रहा था, लेकिन बच्चन पांडे की पहले दिन की कमाई ने साबित कर दिया कि अक्षय कुमार के भोकाल को कोई नहीं रोक सकता। ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बच्चन पांडे की पहले दिन की कमाई का कलेक्शन शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बच्चन पांडे ने सरप्राइज दिया है। द कश्मीर फाइल्स की सुनामी लिमिटेड स्क्रीन्स होली की वजह से मिली। पोस्ट नॉन स्क्रीनिंग इन सभी वजहों के बावजूद पहले दिन फिल्म ने डबल डिजिटल कमाई की। गुजरात में मूवी का कलेक्शन शानदार रहा और दूसरे दिन कलेक्शन बढ़ सकता है। बच्चन पांडे ने भारत को शुक्रवार को 13.25 करोड़ का कलेक्शन किया। बच्चन पांडे पैंडेमिक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। बच्चन पांडे से पहले पैंडेमिक टाइम में फर्स्ट डे कलेक्शन में सूर्यवंशी ने 26 करोड़ 29 लाख रुपए की कमाई की थी। फिल्म त्रासी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी और गंगूबाई काठियावाड़ी ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस लिस्ट में बच्चन पांडे दूसरे नंबर पर है। फिल्म ने 13 करोड़ रुपए की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह द कश्मीर फाइल्स का डंका बज रहा है, उसे देख अक्षय कुमार की फिल्म का भी कलेक्शन सराहनीय है। बात करें बच्चन पांडे की तो इसमें अक्षय कुमार खूंखार गैंगस्टर बने हुए हैं। अक्षय कुमार के साथ कृति सनन और अरशद वारसी लीड रोल में हैं। फिल्म के डायरेक्टर फरहान सामजी हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.